चलिए देखिए, ये एक क्लास है, जो कि हमने पिछले सेशन में बनाया था। एक क्यूए टीम की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हमने क्यूए टीम इन्फो एक क्लास बनाया। उसका डेटा नेम, प्रोजेक्ट नेम, मोबाइल नंबर, एज, एम्प्लॉय आईडी करके लिया था। ये उसका डेटा हो गया। और ये हमने एक मेथड बनाया था, दो मेथड। एक बनाया था शो क्यूए टीम इंफॉर्मेशन, शो क्यूए टीम इंफॉर्मेशन नाम से एक मेथड बनाया था, और एक डेली रिपोर्ट नाम से मेथड बनाया था। तो ये मैंने मेथड अभी बनाया है, ना कि मेथड को कॉल किया है, ठीक है ना। ये मेथड की डेफिनेशन है, ओपनिंग क्लोजिंग करके हमने जो लिखा है, ठीक है। तो जिसके जिसके जिसकी ये मेथड की पूरी बॉडी है, ओपनिंग क्लोजिंग अगर होता है तो उसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक। ये मेन मेथड है। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम में कि ये सब हो गया डेटा मेंबर, और ये हो गए मेंबर फंक्शन। अगर आपको पता हो तो मैंने एक क्लास बनाने का सिंटेक्स बताया था कि जावा की एक क्लास के अंदर बेसिकली होते क्या है, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन और स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में आपको, किसी ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के बनाते हैं और उस ऑब्जेक्टिव का डेटा, उसकी फंक्शनलिटी को प्रोग्राम में लिख लेते हैं। फिर उसको कैटेगराइज करने के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं। तो ये जो क्लास होता है हमारा, एक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है ना। किसके लिए? किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसीलिए क्लास को बोलते हैं, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये भी डेफिनेशन होती है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी डेफिनेशन होती है। एक क्लास का तब तक वैल्यू नहीं है जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट ना बना दें। या आप ऐसे बोल सकते हो, एक क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मेमोरी में उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस आ जाता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कहाँ बनाए, क्वेश्चन ये भी होता है। क्या हम बनाते हैं? नहीं, हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। हम बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा मतलब मेमोरी एलोकेट होगा। तो हम अपनी क्लास के अंदर, अपने मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने का स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम पे लिखा था, और इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया था, न्यू और क्यूए इंफॉर्मेशन ऐसे करके। तो बेसिकली यहां पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मेन मेथड के अंदर कोई जरूरी नहीं होता है आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। पहला चीज, आपको यहां रटने की जरूरत नहीं है कि आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मेन मेथड के अंदर। यहां पे देखिए, सारा स्टेटमेंट, सारा लॉजिक हम मेन के अंदर ही लिख रहे हैं। तो यहां पे आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप मेन के अंदर ही लॉजिक ये सब लिखे या ऑब्जेक्ट ही बनाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को प्रोग्राम में कहीं पर भी लिख सकते, किसी मेथड के अंदर भी लिख सकते। फिर यहां पे क्वेश्चन है कि आखिर ये मेन के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेन मेथड अपने आप कॉल होता है, जेवीएम से अपने आप कॉल करता है। तो अगर सपोज करो कि अपने किसी दूसरे मेथड के अंदर लिख दिया हमने, ऊपर वाले चाहे ये मेथड हो गया, इसके अंदर लिख दिया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाने का स्टेटमेंट लिख दिया, तो वो मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा तब वो चलेगा। लेकिन मेन को हमें कॉल करने की जरूरत तो है नहीं, वो तो अपने आप कॉल हो जाता है। तो मेन मेथड के अंदर लिखने का फायदा अभी अभी इस लेवल पे ये है कि मेन मेथड अपने आप कॉल होगा और अपने आप मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्ट बनाने का स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट बनाने का जो लॉजिक है, वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने ही क्लास में, अरे मेन मेथड के अंदर ही लिखना है। आगे चल के आप कहीं और भी इसका लॉजिक लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी इनमें कोई क्वेश्चन बात समझ आ रही है? करा कोई क्वेश्चन है? ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के इस स्टेटमेंट को जरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिर से ऐसे समझाता हूं। तो यहां पे जितने भी ये पूरा लॉजिक था, ये सारा चीज यहां से, मेन के अंदर का सारा लॉजिक यहां से मैं हटा देता हूं, सब कुछ हटा दिया। अभी हमारे पास केवल और केवल एक क्लास है, क्लास का डेटा मेंबर है और उसका मेंबर फंक्शन है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं, अगर मैं इसको
यहाँ से सीएमडी से जाके मैं लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ प्रोग्राम है हमारा डेस्कटॉप पे जावा सी। ये देखिए मैंने क्यूएटी मूव फॉर और जावा जावा सी यहाँ पे नहीं लिखा हमने, मुझे यहाँ छोड़ दिया जावा सी, कंपाइल कर दिया। तो जैसे हमने कंपाइल करा, कंपाइल करते ही इसका बाइटकोड बन गया। अच्छा अगर आप इसको रन भी करोगे तो रन भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मेन मेथड हमारे प्रोग्राम में पड़ा हुआ है। बट ये जब हमारे कंप्यूटर के मेमोरी एरिया में जाएगा तो इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पज क्या होता है अगर किसी ने आपसे पूछा, तो आप उसे ये बोल सकते हो कि एक जो क्लास होती है वो बिल्कुल एक ब्लैंक कह सकते हो चीज है, एक एक ब्लू प्रिंट है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो उस क्लास का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में आ जाता है ना, फिजिकली मेमोरी में एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है ना। और उस क्लास के जो ये जो डेटा मेंबर है जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर या इंस्टेंस डेटा मेंबर, इनको मेमोरी भी एलोकेट हो जाती है, ठीक है ना। तो किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन ये है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि उस क्लास के जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है यानी कि जो मैंने अभी हाईलाइटेड किया है, इनको मेमोरी मिल पाए, इनको मेमोरी देने के। इन नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी कहाँ मिलती है, क्वेश्चन ये है इंटरव्यू पर, या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है कि किसी क्लास के नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है। जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही मिलेगी। और ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होगा, आपकी कंप्यूटर के अंदर जो जेवीएम है, जेवीएम के अंदर जो मेमोरी एरिया है जिसको हम बोलते हैं हीप एरिया, वहां पे जाते हैं। तो जो आपका जेवीएम है वो कब चलता है, जब आप अपने प्रोग्राम में जावा और क्लास का नाम लिख के एंटर मारते हैं। तो जावा और क्लास का नाम लिख के एंटर मारते हैं, जेवीएम आपके कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाता है। और जेवीएम एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जब वो प्रोग्राम चलता है तो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, तो उसका प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में चल रहा होगा, ठीक है। देखना चाहते हो आप तो जे कंसोल नाम का एक टूल होता है, जे कंसोल, जे सी ओ एन एस ओ, ये जो जे कंसोल नाम का टूल है ये आपके जेडीके के बिन में पड़ा हुआ है, जहाँ जावा सी, जावा डॉक, जावा पी ये सब पड़े हुए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर जाइए, जावा के अंदर जेडीके के अंदर जाइए और यहाँ बिन में जाके आप देख सकते हैं यहाँ जावा है, जावा सी है, जावा डॉक है, ऐसे जे कंसोल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जे कंसोल, देखिए ये जे कंसोल है। तो अगर आप जे कंसोल लिख के एंटर मार देंगे तो यहाँ पे ये देखिए जे कंसोल लिख के जैसे आपने एंटर मारा तो आपको एक विंडो ओपन होके आ गया, इसका नाम है जेवीएम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कंसोल। तो यहाँ पे ये जो लोकल प्रोसेस है इसको कनेक्ट करिए, आप कनेक्ट करिए तो ये क्या है आपके लिए जिसे आप देख रहे हो, क्या है ये, एक मॉनिटरिंग मैनेजमेंट विंडो आपके सामने ओपन हुआ है, जो विंडो आपको ये बता रहा है जो किसको मॉनिटर कर रहा है, आपके कंप्यूटर में चलने वाले जेवीएम को, ठीक है ना, जो आपके रैम में, रैम मेमोरी एरिया के अंदर जेवीएम चल रहा है उसके, उस जेवीएम का ये देखो हीप मेमोरी है जो हीप यूसेज यहाँ पे दिखा रहा है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो ये देखो उसके अंदर थ्रेड्स दिखा रहा है, अरे नहीं दिखा रहा थ्रेड, ये सीपीयू यूजर दिखा रहा है, ये क्लासेस दिखा रहा है। आप इसकी इसको बड़ा कर लीजिए, आप इसे बड़ा करके इसकी मेमोरी में जाइए, देखिए इसके कंप्यूटर के अंदर हीप एरिया इतना इतना यूज है, नॉन हीप इतना यूज है। ये देख रहे हो आप ग्राफ घट रहा है बढ़ रहा है, क्योंकि क्योंकि पता है क्योंकि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मतलब हमें किसी मेमोरी को खुद नहीं फ्री करने की जरूरत है, क्योंकि हम रोबोस्ट लैंग्वेज है, रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है हमारे यहाँ। तो हमारे कंप्यूटर में अगर कोई मेमोरी अनयूज्ड है, वेस्टेज है, जिसका यूज नहीं है, तो अपने आप फ्री हो जाएगा। ऑटोमेटिक मेमोरी के लिए ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर थ्रेड चलता है जो मेमोरी को मैनेज कर रहा है,
देख रहे हो अचानक आपका हीप एरिया यहाँ से यहाँ भाग गया, क्योंकि यहाँ पे जब उसका यूटिलाइजर हो रहा है, जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं कंप्यूटर में, जो बन रहे होंगे उनको तो अलग मेमोरी देनी है ना, उनको सर्विस देनी है, नहीं देनी। तो देखो ये थ्रेड्स देख लो हमारे कितने थ्रेड्स हैं, ये क्लास देख लो, हमारा वर्चुअल की समरी देखो, हमारे कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन जावा हॉटस्पॉट 64 बिट सर्वर है, जिसका वेंडर ओरेकल है ना। अब टाइम ये है, इसके अंदर हमारे जेवीएम के अंदर 34 लाइव थ्रेड है, कितने पीक थ्रेड है, कितने डेमन थ्रेड है, और टोटल थ्रेड है 40।